दिल से तो आप जान ही गए होंगे, आज का मेरा वीडियो सरोजनी नगर स्वेटर लुक बुक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के लिए पहले मैंने एक ब्लैक पैंट लिया है। मैंने ब्लैक पैंट इसलिए लिया है क्योंकि ब्लैक पैंट हर कपड़े पे चलता है और हर कलर पे चलता है। तो मेरा पहला स्वेटर ब्लैक कलर का टर्टल नेक। इसकी स्लीव्स काफ़ी अच्छी है और नेक आप देख ही रहे हैं, ना ज़्यादा बड़ी है ना ज़्यादा छोटी है। और स्वेटर एकदम नीटेड मटेरियल में है और ये साइड में इसके बटन्स की डिटेलिंग दी हुई है। और ये स्वेटर ना ही ज़्यादा लंबा है ना ही ज़्यादा छोटा है, मुझे इतनी पसंद है, इतनी लेंथ की स्वेटर पसंद है, एकदम मिड वेस्ट तक आती है। और ये देखिए इसके स्लीव्स ही भी इसके बहुत ही प्यारे, एकदम फिटिंग में। ये स्वेटर मुझे सिर्फ 100 रुपये में पड़ गया है और एकदम न्यू है, एकदम न्यू। तो देखते हैं अब नेक्स्ट स्वेटर। ये वाली तो एकदम बिल्कुल मेरी फेवरेट है, मैं जब से ली हूँ ना तब से इसे पहन रही हूँ, पर मुझे इस तरह से नहीं पहनती मैं उसे, जब बीच में अपने पैंट के आगे टक करके थोड़ा सा लुक देती हूँ तब मुझे अच्छा लगता है ये पहनने में। और इसकी डिज़ाइन और डिटेलिंग इतनी अच्छी है ना, मैं अभी दिखाती हूँ। ये देखिए आगे से इसमें जो ये इस तरह से चोटी की तरह नहीं बनी हुई है, डिज़ाइन बहुत ही अच्छी है और छोटे छोटे बूटे बने हुए हैं। और इसकी नेक तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और स्लीव्स भी एकदम अच्छी है, बढ़िया है। ये देखिए मैं अपने आप को ठीक कर रही हूँ, स्वेटर पहनते पहनते बाल खराब हो जाते हैं। ये देखिए इसके बैक लुक एकदम फुल बैगी टाइप का है, बचपन में मम्मा हमें पहनाती थी ना उस तरह के स्वेटर है ये, बहुत ही मुझे कूल लगी ये वाली स्वेटर। और ये भी सिर्फ 100 रुपये की ही है। और ये है तीसरी स्वेटर, ये एकदम इसमें पर्ल्स की डिटेलिंग की हुई है, अभी मैं पास से इसको दिखाऊंगी। बहुत ही अच्छे इसमें हर जगह पर्ल्स लगे हुए हैं, छोटे छोटे स्वेटर के ऊपर से अलग से इस पर डिज़ाइन बने हुए हैं छोटे छोटे, ये बड़े मुझे अच्छे लगे। और उसके स्लीव्स भी अलग तरह के इसमें, मतलब ये बुनाई वाली ही स्वेटर है पर ये अलग तरह की स्वेटर है, मुझे बहुत अच्छी लगी ये, जैसे हमारी दादी और नानी बनाया करती थी ना उस तरह की स्वेटर है। और मैं इसको भी साइड से कहीं टक कर लेती हूँ तभी मुझे अच्छा लगता है, मुझे लूज़ नीचे से लूज़ स्वेटर अच्छे नहीं लगते, ऊपर से लूज हो नीचे से ना, और मैं इसे भी टक कर लेती हूँ। ये देखिए इसके बैक लुक कितनी कूल लग रही है ना, और सिर्फ 100 रुपये की। ये भी मेरी फेवरेट है, आप बोलोगे मेरी सारी स्वेटर फेवरेट है पर क्या करूँ, सारे मुझे पसंद आए। ये देखिए वंस अगेन इसके सामने से लुक अच्छी है ना, इसकी डिटेलिंग मुझे बहुत अच्छी लगी थी, बहुत ही ज़्यादा कूल लगी थी। और ब्लैक कलर के पैंट पे तो और भी जच रही है। ये रही तीसरी वाली स्वेटर, ये मुझे सिर्फ 50 रुपये में मिली थी, ये मुझे उतने लेने का मन नहीं था पर भैया बड़े इंसिस्ट करने लगे, ले लीजिए बहन जी बोनी करनी है, इसलिए मैंने ले लिया। बट अब मुझे ये अच्छा लगने लगा है, क्रॉप स्वेटर है, इसकी नेक मुझे बहुत पसंद है, ये जैसे शर्ट वगैरह में होते थे ना उस तरह के हैं ये, इसके स्लीव्स भी अच्छे हैं। और ये जो सामने में पैकेट है और ये जो बटन है ना आगे, मैं इसको खोल करके एज अ स्रग भी यूज़ कर सकती हूँ इसके, मतलब मैं इसको देख सकती हूँ, मैं इसको बहुत बार यूज़ कर सकती हूँ। मैं सोच रही हूँ इसके 3-4 लुक तैयार करने के लिए, अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं ज़रूर से बनाऊँगी इसका एक लुक। ये देखिए स्वेटर इसके नेक काफ़ी खूबसूरत है, स्लीव्स तो अच्छे हैं ही और आगे फ्रंट पैकेट भी है, मतलब ये फुल पैकेज है इस स्वेटर में, आपको सब कुछ मिला है इस स्वेटर में। और इसको मेन मतलब इसके ये है ना कि मैं इसको बहुत तरीके से यूज़ कर सकती हूँ, और ब्लैक पैंट पे तो ओबवियस ही अच्छी लग रही है। ये मिक्की वाली स्वेटर, इसको मैंने इंस्टाग्राम पे डाला, सबको ये पसंद आया था, मेरी तो ये फेवरेट है ही पर ये और भी लोगों को सबको पसंद आई, आप कमेंट करके बताना आपको ये कैसी लगी। और ये मिक्की ब्राउन ब्रांड की है भी, सॉरी मैं ब्रांड बोल रही हूँ, ये मिक्की ब्रांड की है स्वेटर। ये देखिए इसके पीछे भी लुक है और आगे भी लुक है, और ये भी एकदम बैगी लुक देता है, और इसको अगर टक करके पहनो ना तो और भी ज़्यादा अच्छी लगती है। इसकी भी एक मैं लुक तैयार करने वाली हूँ, ऊपर में बेल्ट लगा करके कैसे स्वेटर्स को क्रॉप बनाते हैं, वो भी वीडियो कुछ दिनों में आने वाली है। ये देखिए ये भी 100 रुपये की स्वेटर है, मुझ पर कूल लग रही है ना, आप बताना मुझ पर कैसी लग रही है, मुझे तो अच्छी लग रही है और ब्लैक पैंट पर सूट भी कर रही है ना। मेरे बालों को इग्नोर कीजिएगा, ट्राई करते करते मेरे बाल भी खरते जा रहे थे इसलिए मैं बार बार उन्हें ठीक कर रही हूँ।
और ये देखिए अब आने वाली है नेक्स्ट। ये तो स्टार ऑफ द शो है, स्टार ऑफ द शो। ये देखिए इसकी डिटेलिंग, मतलब मैं समझ नहीं पाती हूँ सरोजनी में इतने ज़्यादा सस्ते स्वेटर मिलते कहाँ से हैं। इसकी डिटेलिंग देखिए कितनी प्यारी है, ये कितनी प्यारी है। और ये पता नहीं क्यों इसको, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा इसको बोलते क्या। अगर आपको पता हो तो ज़रूर कमेंट करके बताना, बटरफ्लाई स्वेटर या फिर केप स्वेटर, आई डोंट नो, मुझको कोई आइडिया नहीं है इसको क्या बोलते हैं, बट मुझे बहुत पसंद है। मैं इस पर एक पार्टी लुक बनाने वाली हूँ, इसकी भी मैं लुक कुछ दिनों बाद आने वाली है। ये देखिए इसमें जो फ्रंट नेक से जो डिटेलिंग नीचे तक गई है ना, उससे एक अलग ही लुक इसको मिल रही है। और ये वाइट जीन्स, वाइट बूट, वाइट, मतलब मैं इमेजिन कर सकती हूँ वाइट वाइट इसका लुक कितना खूबसूरत होने वाला है। और बस 50 रुपये में क्या मिलता है, 50 रुपये में तो आजकल पाव भाजी भी नहीं मिलता है। इसको तो मैं एज अ टॉप भी यूज़ कर सकती हूँ, जब हल्की सी गर्मी या ठंडी नहीं रहती है उस समय मैं इसे यूज़ कर सकती हूँ। ये रही दूसरी स्वेटर, ये तो एकदम मतलब ये अलग ही लुक देता है। इसके जिस शोल्डर्स पे जो केप लुक दी हुई है ना, जैसे ब्लेजर्स में होते हैं उस तरह से इसमें बना हुआ है। ये थोड़ी अभी लूज़ लग रही है, पता नहीं क्यों, एक्चुअली मैं इसको अच्छे से रखी नहीं थी इसलिए। इतनी अच्छी लगती है ना ये पहनने पे, थोड़े स्लीव्स को ऊपर करके और फिर अंदर से टक करने के बाद, ये एक तरह से वो पोलो टॉप आते थे ना, पोलो टॉप, उसमें जो जिस तरह से लुक होते थे ना, वैसे ही इसमें भी लुक आ रही है। ये देखिए इसके शोल्डर्स मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और 100 रुपये में और क्या चाहिए, एकदम न्यू। मैं सोच रही हूँ एक दिन फिर से समय निकाल करके सरोजनी जाओ, क्योंकि फिर सर्दियाँ ख़त्म होने वाली है और फिर ऐसे ऐसे टॉप फिर मिलेंगे भी नहीं। मैं उनको फिर से ला करके स्टॉक बना के रख लेती हूँ, ताकि मुझे फिर नेक्स्ट ईयर के सोचना ना पड़े, नेक्स्ट ईयर पता नहीं फिर मुझे ऐसा मौका मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। ये देखिए कितनी कूल लग रही है, ये भी ब्लैक पे, ब्लैक की इसकी स्लीव्स मेरे पैंट से मैच कर रही है ना। ये पैंट मैंने आजियो से लिया था, ये जेगिंस है, बहुत ही अच्छे हैं और मैं इसको ऑल टाइम यूज़ करती हूँ। इसका लिंक मैं दे दूँगी नीचे, आप चेक कर लेना। ये तो मतलब हेवन है भाई साहब, ये हेवन है, कितनी खूबसूरत है ये। इस स्वेटर से तो मुझे प्यार हो गया है। इसकी डिटेलिंग देखिए जरा, डिटेलिंग मतलब क्या बताऊँ मैं, ये हाथ से बना हुआ है या मशीन से बना हुआ है मुझे समझ में नहीं आ रहा। इसके जो राउंड राउंड सर्कल्स बने हुए कितने खूबसूरत लग रहे हैं ना, और इसकी स्लीव्स भी अच्छी है, मतलब इसमें कुछ, ये इसके नेक देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं ना, मतलब क्या बताऊँ। ये इसको तो मैं एज अ पार्टी वेयर यूज़ कर सकती हूँ, मैं बता नहीं सकती हूँ मैं इसको कितने तरीके से यूज़ कर सकती हूँ, और मुझ पर अच्छी भी लग रही है। वाओ कितनी प्यारी लग रही है ना, मतलब मैं जाने वाली हूँ सरोजनी, मतलब मैं रोक नहीं सकती, और मैं सोच रही हूँ जाऊँ, सोच रही हूँ मंडे जाऊँ, ट्यूजडे जाऊँ, लेकिन जाऊँगी ज़रूर। आप बताना मेरे को मेरी वीडियो कैसे लगे और मेरे स्वेटर्स कैसे लगे, प्लीज़ बताना ज़रूर। ये मेरा पहला वीडियो है, मैं कोशिश कर रही हूँ अच्छा बनाने का। सब्सक्राइब तो कर लो मेरे चैनल को यार, बाय।